आपको आपने नेता तो खूब देखे होंगे, आप उससे ज्यादा जानते हैं। जितना वास्ता मेरा पड़ा मुझसे कई गुना आपका पड़ा है। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है ना कि नेता को विलासिता में नहीं रहना, आराम में नहीं रहना, आपको ऐसे उड़ान की जिंदगी चाहिए तो राजनीति छोड़ दो, ऐसा उनका संदेश है। और उस संदेश पर चलते हुए माननीय संजीव बालियान जी 24 घंटे के सेवक आपके बीच में है। अधिकारियों से सिफारिश करने का तरीका पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की गारंटी तो मैं भी ले रहा हूँ। पश्चिम क्षेत्र के 14 सांसदों को हम भी जानते हैं, हर पार्टी भी जानते हैं। अगर आपने कोई काम बता दिया, आदरणीय संजीव बालियान जी के समझ में आ गया, तो फिर वो काम आपका नहीं, वो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल बनता है। ये हर बार आपका देखा होगा। इसमें भी गुजारिश है आप लोगों से कि आने वाले समय में एक बार फिर कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 बार बस कितनी बात करनी है और हर व्यक्ति अपने बूथ की गारंटी ले। अगर मेरा बूथ सबसे मजबूत पर हम लोग रहेंगे तो आने वाले समय में माननीय मोदी जी किसी को प्रधानमंत्री, भाई सोच के देखो, आज वो सीट है लोकल और भाजपा साथ में चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे विराट, सबसे प्रचंड जीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो प्रचंड जीत तब होगी जब हर आदमी कहेगा मेरा परिवार मोदी का परिवार और मैं खुद संजीव बालियान। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा, जय मोदी। अच्छे विचार हमारे साथी डॉक्टर जयप्रकाश जी जो अनुसूचित मोर्चा से अनुरोध करते हैं, एक बार स्वागत के लिए एक बार जोरदार ताले स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बहुत ही सम्मानित जावर से चेयरमैन सकीन कुरैशी जी से अनुरोध करता हूं कि वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। सकीन कुरैशी जी ब्लॉक से, विक्की बोल जी और मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, साथियों ये चुनाव पहले भी दो बार माननीय मंत्री जी चुनाव जीतकर जा चुके हैं और बड़ी वोटों से जीते। उन्होंने हर दल हर समाज से ऊपर उठ करके लोगों के काम किए, जो इनके पास पहुंचा उसका काम हो। लगभग सभी लोग इनसे परिचित हैं, ऐसा कुछ नहीं कि परिचय देने की कोई बात है, लेकिन इस बार लोकदल का भी गठबंधन साथ में है और मैं लोकदल के सबने साथियों से कहना बड़े बड़े भाई राहुल प्रमुख जी, ये सभा राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए शामिल होने के बाद दोराला में प्रथम सभा है, चुनावी मीटिंग है, परिचय सम्मेलन है। मैं भी आज पहली बार माननीय मंत्री से रूबरू हो रहा हूं, इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, पहली बार रूबरू हो रहा हूं। बहुत सारे हमारे तमाम ऐसे साथी हैं जो पहली बार ही रूबरू हो रहे हैं, वो बात सही है, सही है। अब सब एक है और हमारा लक्ष्य भी एक है, अनुशासित ना हो लेकिन एक मामले में अनुशासित है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ उसको मानने में पूरा अनुशासित है। मंत्री जी जो मैं बोला, मंत्री जी घर पे नहीं मिलते, जो वहां से दिल्ली से चल गए, दोनों दिन शनिवार को इतवार को क्षेत्र में रहते हैं और मैं तो बहुत छोटा था, मैंने जब भी फोन मिला तो कहीं बिजी रहे तो तुम्हारे फोन आया, बता सुरेंद्र भाई क्या है। तो ऐसे नेता हमें मिल गए तो विकास की विकास होगा, नहीं तो भूलते रह जाओगे। सभी साल उड़ा दे इसको, कितनी भारी वोट बन जाओ, कैबिनेट में बहुत बड़े मंत्री बने। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सुरेंद्र भाई। अब मैं दो ही साल हुए हैं और इतना अलट पलट देख लिया है तो ऐसा लगता है कि हम तो बहुत छोटे हैं अभी, हमारी बात कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारे नेता हैं चौधरी जयंत सिंह जी, उन पर हम भरोसा करते हैं और हमने ये देखा है कि उनके जितने भी फैसले हुए हैं पिछले कुछ सालों में वो बहुत सटीक हुए हैं और उनकी दूरदर्शिता का एहसास कराते हैं। तो मैं मानती हूँ अगर ये गठबंधन हुआ है तो सबसे पहले तो हमने अपने नेता पे भरोसा करके उसको माना और आगे बढ़े। और आज आप सबके आगे कहना चाहती हूँ कि आज मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे वो भाई जो शायद आपस में कुछ गर्म संकट पाले बैठे थे,
या कुछ तनाव था, आज गले मिल रहे थे। तो मैं, लेकिन अनुभव में आप मेरे से बहुत बड़े हैं और मेरे पिताजी से मैंने बहुत सीखा है, लेकिन 5 मिनट आपसे बात करके मैंने ये गारंटी ली है कि ये हमारे सारे काम कराएंगे। तो जो आप जैसा कहेंगे, तो मुझे लगता है हमें अपने स्थानीय नेता पे भरोसा करना चाहिए। आपके आसपास टीवी पे जो हो रहा है वो अलग कहानी होती है, और जो यहाँ हो रहा है, आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके नेता का क्या व्यवहार है, आप सभी वो जानते हैं, वो अलग कई बार कहानी। मैं अनुरोध करता हूँ वे अपने विचार व्यक्त करें सभी के लिए। मैं पहले तो सब लोगों का जो यहाँ आए हैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और मंत्री जी के ये प्रोग्राम रखा गया जो गठबंधन हमारा हुआ है लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी, और किसी पार्टी में रहूँ मैं इनके गठबंधन में रहा हूँ। तो आप सब लोग अपने प्यार मोहब्बत से सभी से, मेरा किसी एक जाति से संबंध नहीं है, कोई काम करे। ऐसा नहीं है भाई मुस्लिम का काम नहीं करना या एससी का काम नहीं करना या बीजेपी का, बीजेपी वाला मामला नहीं चलने का बिल्कुल भी। ये सब का काम करते हैं आप। एक मिनट सुन लो बस, शांति से। मेरा यही मंत्री से अनुरोध है, अब बस सबको एक निगाह से देखें और किसी से भेदभाव न हो। कभी हमने अपनी जिंदगी में, अपनी राजनीति में किसी से भेदभाव नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे आदमियों का सबका काम हो। सबके प्रिय हमारे बड़े भाई सम्मानित आचार्य महेंद्र पाल जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन है और सिवान खासे भी चुनाव लड़ा है और पूरे जिले को देखते हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय महेंद्र पाल जी। आदरणीय चंद्रवीर जी के यहां कोल्ड स्टोर पर उपस्थित हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में भी और प्रत्याशी के रूप में भी डॉक्टर संजीव बालियान जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष बड़े भाई यशवीर सिंह जी, चेयरमैन लक्षपैड बहन मनीषा जी, चेयरमैन लावण शकील जी, देविंदर जी, राहुल जी, विश्वास जी, वो कहाँ गए, अजीत जी कहाँ चले गए, संदीप जी, ओमपाल जी, रामफड़ जी, बाबर सिंह जी, सीपी सिंह जी, दर्पण जी, अपने अशोक जितकरी जी, मदन जी, अपने संजय भाई, प्रताप जी, संचालन कर रहे भारतवीर जी, बहुत सारे नाम ले लूंगा, सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आप लोग तो पहले भी चुनाव लड़ाते आए हैं और माननीय मंत्री जी रहे हों या विधायक जी रहे हों, या हमने कभी टनों की राजनीति नहीं करी। हमने कोई आया चाहे किसी पार्टी का आदमी आओ, सबके काम के, चाहे बहुजन समाज पार्टी का, चाहे कोई लोकदल का, चाहे कोई भाजपा का, कभी ये परहेज नहीं करा और ना जाने आने में परहेज करा। दुख सुख में सबके यहां गए, मेयर विधायक जी कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि भाई ये लोकदल के इनके नहीं जाना, बसपा के, सबके यहां गए। और रहा आदरणीय संजीव बालियान जी का, इनका तो मैं कहता हूं विश्व रिकॉर्ड बनेगा एक दिन, जितने कार्य दिवस इनके हैं हम खुद थक जाते हैं इनके साथ आने में। हर 5वें दिन सजना विधानसभा और फिर 8-10 गांव जाना, मेरे ख्याल से कोई गांव ऐसा नहीं होगा गांव जिसमें इनकी दस्तक कई कई बार न रही। ऐसे साधारण सरल स्वभाव के आदमी जो आपके बीच सांसद है और केंद्र में मंत्री है, अभी संजय भाई कह रहे थे, प्रताप भाई कह रहे थे, इस बार ये ऐतिहासिक गठबंधन है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, संपूर्ण भारत इसे देखेगा, विपक्ष की राजनीति में एक इतिहास बनेगा। और मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा, अगर जयंत को परमानेंट शक्ति देने का काम करना है ना, तो इस गठबंधन को मजबूती से निभा देना, एक एक वोट कमल के सामने का बटन दबा देना। कई बार हमारे मन में आता है, कई तरह के भाव होते हैं, मैं फिर कहता हूं मंत्री जी बैठे, मैं कह दिया करता हूं, मेरी आदत है, सारे काम कभी नहीं होते,
हम क्या करते हैं, 99 काम हो जाते हैं और एक पे नाराज हो जाते हैं। अपने बेटे से नाराज नहीं होते आप, बेटा कभी बाप से नाराज नहीं होता, उसी घर में रहते रहेंगे। पत्नी को कहेंगे खाना बना दो, उसे कहते नहीं आज तबियत खराब है नहीं बनाऊंगी, फिर भी वो आपके घर में ही रहेगी। अरे तो भाई मंत्री जी ने इतने काम करे हैं, इस गठबंधन धर्म को, इस पारिवारिक धर्म को निभाने का भी तो काम करना है। सारे काम तो मेरे भी नहीं करते, बता दूंगा तो आप कहोगे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा कर रखा है। मगर इसका अनुपातिक जब मास्टर भी कॉपी जाँचता है तो ये देखता है इसके 80 नंबर, इसके 90, इसके 70, इसके 60। तो जब मैं ही कॉपी जाँचता हूँ तो इनके 99 नंबर आ रहे, 99। फिर इन्हें कैसे छोड़ूंगी? अब आज कोई दूसरा विपक्ष का प्रत्याशी आ रहा, अभी तक तो कोई आया नहीं। कोई आएगा तो कोई तो कहेगा मैं आपका रिश्तेदार हूँ, कोई जाति की बात करेगा, कोई पार्टी की बात करेगा। 5 साल कहाँ रहे भैया? 5 साल किसका ध्यान दिया? 5 साल आ जाने संजीव बालिया जी आपके बीच में, दुख में, सुख में, विकास में। और दूसरा, देश का कितना बड़ा मॉडल मोदी जी ने बना दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाड़ी पर बैठो और रेस पे पैर रखना, 40 मिनट में दिल्ली, 5.5 घंटे में लखनऊ, 2 घंटे में देहरादून। पता ही नहीं चलता आने जाने का, घर में समझते हैं झूठ बोल रहे। हम लखनऊ से शाम को घर आ जाके कहां गए थे? लखनऊ गए थे, झूठ बोल रहे। क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी देश के प्रधानमंत्री जी ने कर दी, और उसी प्रधानमंत्री जी टीम के ही मेंबर आराम से निपालिया। तो मैं तो बहुत लंबा समय हो गया आप लोगों को बैठे, पहले तो आपका धन्यवाद भी करूंगा कि मेरे और विधायक जी के बुलाने से आप सब लोग यहां आए इकट्ठे हुए। और रोज रोज ऐसी बैठ के नहीं होगी। आज भारतवीर जी कह रहे थे आप एक एक आदमी 500 से 1000 वोट को प्रभावित करने वाले लोग हैं, चाहे किसी समाज में। तो मेरा निवेदन है, यूं तो आपके बीच रोज कोई ना कोई आएगा, हम भी टोली बनाकर आपके बीच आएंगे, माननीय मंत्री जी भी आपके बीच आएंगे। पर आज की ये बैठक एक अहम बैठक है, आज सब लोग निर्णय ले इस बारे में, मजबूत रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाए, और समय ज्यादा दूर नहीं है। और उस दिन एक बात ध्यान रखना महत्वपूर्ण, हमारे लोगों में बहुत ठाटी कमी है, बाद में पछताते रहेंगे। और उस दिन पोलिंग को कर देता हूँ, हमारा काम है 90% पोल करने का, ये बात महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान दो सारे। घर से कहो, रोज प्रधानमंत्री कह रहे, देश के बड़े अधिकारी कह रहे कि अगर लोकतंत्र की रक्षा करनी है, राष्ट्र को सुरक्षित करना है, तो देश के लिए मतदान करना होगा। तो मतदान पर ध्यान देना है, हम वोट देना सब चाहते हैं। कोई क्रिकेट खेलने चला जा, कोई खेत में छोलने चला जा, अरे 5 साल है वो छोलो, कौन मन कर रहा है? भट्टे के मजदूर भी वोट डालने चले जाते हैं, कहते हैं आज कोई काम नहीं करेंगे, मिस्त्री काम छोड़ देते आज कोई काम नहीं करेंगे, मगर हमारे लोग मौज मस्ती मारते हैं। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ आज सबसे, रोज रोज ऐसा मौका कहने का नहीं आता है, वोट डालने से मत चूक जाना, 90% वोट डालने का काम करना। अभी राहुल भाई ने कहा, विश्वास भाई ने कहा 4 लाख वोटों से जिताना इतना आसान नहीं है, जवान से कह देंगे सभी जीतेंगे, वोट डालने से जीतेंगे। अगर आज ये संकल्प ध्यान ले रहे हो तो इसे निभाना भी पड़ेगा। आज मैं तो निवेदन करूंगा, सारे लोग हैं हाथ उठाकर एक बार संकल्प